नमस्ते मित्रों, आज एक वीडियो देखी बहुत बुद्धिमती महिला की और एक बहुत बुद्धिमान समाज की प्रतिनिधि महिला की, जो अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से युक्त महिला बता रही है, उसकी वीडियो देखी। महिला है श्रीमती रत्ना पाठक शाह। ये श्रीमान नसीरुद्दीन शाह जी की पत्नी है। इनका वीडियो देखा और वो बार बार इस वीडियो में कह रही हैं कि मैं एक मॉडर्न एजुकेटेड महिला हूं, मैं एक मॉडर्न एजुकेटेड महिला हूं, मैं एक मॉडर्न एजुकेटेड महिला हूं। इसे बार बार सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस देश में मॉडर्न एजुकेटेड महिला यही पहली है, इससे पहले कोई मॉडर्न एजुकेटेड महिला नहीं हुई। मॉडर्न का उनका मतलब क्या है, एजुकेशन का उनका क्या मतलब है, ये तो उन्होंने उसमें नहीं खोला है, लेकिन ये बार बार कहा है कि मैं एक मॉडर्न एजुकेटेड महिला हूं। उन्होंने हिंदुओं के दकियानुसीपन, रूढ़िवाद, इन सबको उजागर करते हुए मैं सचेत करने का प्रयास किया है कि हम रूढ़िवादी और दकियानुसी लोग हैं। अच्छा, किसी को कोई रूढ़िवाद और दकियानुसीपन में से निकाले, ये कितनी अच्छी बात है। तो हम तो धन्यवाद करते हैं श्रीमती रत्ना जी का कि उन्होंने हमें दकियानुसीपन और रूढ़िवाद से निकाला। वो करवा चौथ पर टिप्पणी हुई करती हुई कहती हैं कि किसी ने मुझसे पूछा कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा, तो मैंने कहा क्या मैं पागल हूं। कितनी बढ़िया बात है कि उन्होंने हमें रूढ़िवाद के बारे में बताया, दकियानुसीपन के बारे में बताया, जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया। एक आदमी आज से पहले हमें ऐसा नहीं मिला जिसने हमें बताया हो कि क्या रूढ़िवाद है, क्या दकियानुसीपन। Extremely conservative. We're becoming conservative. I feel that very strongly. We are becoming superstitious. We are being forced into accepting and making religion a very important part of one's life. Suddenly everyone is talking about karwa chauth ka vrat nahi kar rahe aap, aaj tak mujhe kabhi kisi ne nahi pucha, pichle saal pehli baar mujhe pucha. Really? How did you react? I said pagal hu main. I'm isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth? Arabia mein kya hai women ka scope? Yeah, हम लोग सऊदी अरब है श्रीमती रत्ना जी का कि उन्होंने हमें यह जताया कि रूढ़िवाद और दकियानुसीपन है। लेकिन मैं श्रीमती रत्ना जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक ना जानने वाला व्यक्ति, एक विदुषी महिला से यह प्रश्न तो पूछ ही सकता है कि क्या आप बुरके के बारे में बोलेंगी, क्या आप बोलेंगी नकाब के बारे में, हिजाब के बारे में? आप फेमिनिज्म के बारे में बोलती हैं, आप बोलती हैं मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, आप बोलती हैं दकियानुसीपन और रूढ़िवाद के बारे में, क्या आप बोलेंगी एक स्त्री को, एक 10 साल की बच्ची को सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े से लाद दिया गया है, उसके पांव में लेदर के काले जुराब हैं, हाथ में काले दस्ताने हैं, उसकी आंखों पर खिड़कियां लगा दी गई हैं, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि ये कौन सी मॉडर्न एजुकेशन का संकेत है? क्या आप मुझे बताएंगी ये कौन सी फिजिक्स है? क्योंकि आपके पति बहुत विद्वान हैं, आप बहुत विदुषी हैं, आपको इस भारत में हजारों कमियां दिखाई देती हैं, कमाल है। आपको इस देश में रहते हुए डर लगता है, आपके पति को इस देश में रहते हुए डर लगता है, ये जानते हुए कि इस पूरी दुनिया में सीरिया है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इतनी सुरक्षित जगह है। मैं तो श्रीमती रत्ना जी से यह आग्रह करूंगा कि आप सुरक्षित जगहों पर चली जाए। ऐसी डरावनी जगह क्यों रहती है जहां इतना दकियानुसीपन, इतना रूढ़िवाद है? भला ऐसी रूढ़िवादी दकियानुसीपन वाली जगह, इतनी डरावनी जगह रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप हमें ये कौन सी मॉडर्न एजुकेशन ये बताना चाहेंगी जहां ईश्वर को जोर जोर से 5 बार आवाज लगाकर बुलाया जाता है, जहां ईश्वर से आवाज लगाकर प्रार्थना की जाती है, लोग हार्ट अटैक के मरीज हैं, लोगों को कैंसर की बीमारियां, उनके पड़ोस में इतनी भयंकर स्थितियां हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, चीख चीख कर वो ईश्वर को बुला रहे हैं, ये कौन सी मॉडर्न एजुकेशन की इबादत है? क्या आप इसके बारे में बोलने की हिम्मत दिखाएंगे? लेकिन मुझे लगता है तब शायद कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, तब शायद कुछ लोग कहेंगे कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, तब शायद आप नहीं बोलेंगे। एक त्योहार मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ग्लोबली एक त्योहार मनाया जाता है जहां स्वाद के लिए करोड़ों करोड़ पशुओं की हत्या कर दी जाती है। आपके घर में आपके पति उस त्योहार को मनाते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे ये कौन सी मॉडर्न एजुकेशन है? कृपया मुझे जरूर समझाएं ये कौन सी मॉडर्न एजुकेशन है। मैं दकियानुसीपन और रूढ़िवाद को समझना चाहता हूं। क्या रूढ़िवाद केवल कुछ ही लोगों के बीच में है या रूढ़िवाद सबके बीच में है? या उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं आपकी?
आपकी औकात नहीं उनके खिलाफ बोलने की। एक वर्ग है जिसने तुम्हें रोटियां दी, टुकड़े फेंके, आज से नहीं हजारों साल से तुम्हें टुकड़े फेंके, उनके टुकड़ों पर तुम पलते चले आए और आज तुम उन्हें रूढ़िवादी कहते हो। हमारे रूढ़िवाद के कारण तुम रोटी खाते चले आए हो, हमारे रूढ़िवाद के कारण तुम इस देश में मकान बनाकर रहते हो, एसी लगाकर जीते हो, हमारे देश में तुम बोलने की हिम्मत कर पाते हो। जाओ जाओ देखा अफगानिस्तान में बड़े बड़े जर्नलिस्ट कटोरा हाथ में लेकर सड़क पर बैठे हैं, वीडियोज और फोटोज वायरल हुई हैं उनकी, लेकिन आपको आपका मॉडर्न एजुकेशन क्या पढ़ाता है मुझे नहीं पता। मैं शर्त रख सकता हूं कि आपको यह भी नहीं पता है कि एजुकेशन का वास्तव में मीनिंग क्या है। मैं शर्त रख सकता हूं कि आपको शिक्षा और विद्या में अंतर पता नहीं है। मैं शर्त रख सकता हूं कि आपको एजुकेशन और विजडम के बीच का डिफरेंस पता नहीं है। आप हमें बताएंगे, आप हमें सिखाएंगे मॉडर्न एजुकेशन क्या है? गार्गी के देश में महिलाओं को बताएंगे मॉडर्न एजुकेशन क्या है? अपाला के देश में बताएंगे मॉडर्न एजुकेशन क्या है? आप मां सीता के देश में बताएंगे मॉडर्न एजुकेशन क्या है? आप लीलावती जिसने लघु सिद्धांत भास्कर और दीर्घ सिद्धांत भास्कर जैसे अत्याधुनिक गणित के ग्रंथ लिखे, आप उस देश में हमारी महिलाओं को बताएंगे कि रूढ़िवाद दकियानुसीपन क्या है? जरूर बताइए, जरूर बताइए आप करवा चौथ का रूढ़िवाद और दकियानुसीपन, लेकिन जरूर बताइए कि बुरके का मॉडर्न फिजिक्स क्या है? हमें जरूर बताइए, आवाज लगाकर अल्लाह तक आवाज जाती कैसे सातवें आसमान तक, ये हमें बताइए जरूर। हम सीखना चाहते हैं कि त्योहार पे पशुओं की हत्या करने से दुनिया में कौन सी वैज्ञानिक क्रांति हो रही है, ये हम सीखना चाहते हैं। हमारा आग्रह है, कुछ प्रश्न है, उम्मीद है श्रीमती रत्ना जी हमारे प्रश्नों का जवाब देंगी और हमारे जैसे अविद्वान उनसे विद्या प्राप्त करके कृतज्ञ होंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।